विद्यार्थियों को नमस्कार। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ सवाल लेकर। तो पहला सवाल है आपका, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक जो आय है उसमें अनुपात दिया है, तो पहले मान लेंगे ए की मासिक आय बराबर 9x और बी की मासिक आय बराबर कितनी है 7x। अब इसमें व्यय का अनुपात दिया है, तो ए का व्यय बराबर कितना अनुपात है 4:4y। बी का व्यय बराबर कितना दिया हुआ है 3:3y। अब दोनों का जो कह रहा है, दोनों की मासिक बचत कितनी है आपके पास, दो है, तो प्रत्येक की मासिक बचत है 200। तो यहां लिखेंगे ए की मासिक बचत बराबर 200। और सूत्र क्या होता है मासिक बचत का, मासिक बचत का जो फार्मूला होता है वो होता है आय माइनस व्यय बराबर 200 रुपए। तो पहले वाले की ए की आय क्या है हमारे पास, ए की जो आय है वो हमारे पास है 9x माइनस ए का व्यय कितना है 4y बराबर कितना 200। समीकरण नंबर कितना ए। जो बी की बचत है वो भी यही सूत्र है आपका, बी की बचत बराबर उसकी भी बचत कितनी है 200 रुपए। तो बचत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, यानी आय माइनस व्यय बराबर 200 रुपए। आय कितनी है बी की पूछ रहा है, बी कितनी आय है 7, बी का कितना व्यय है 3y बराबर कितना 200। समीकरण नंबर कितना 2। अब यहां देखते हैं, यहां पर 9x, यहां पर 7x, यहां पर 4y, यहां पर 3y, लेकिन बराबर में दोनों में कितना है 200 है। तो क्या करते हैं, समीकरण ए इसके नीचे लिख देते हैं 9x माइनस 4y बराबर 200, समीकरण नंबर ए। अब यहां देखते हैं, देखिए एक प्लस में है, दोनों ही आपके प्लस में कटेंगे नहीं, तो क्या करने पर घटाने पर निशान बदल जाएंगे, माइनस प्लस और ये माइनस। यहाँ देखिए 200 से 200 तो जाएंगे आपके कैंसिल, माइनस के 9x ज्यादा है तो माइनस के 9x में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 2x। और यहाँ देखिए प्लस के ज्यादा है, 4y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा y बराबर 200 में से 200 चला गया है, कितना बचा है 0। तो क्या करेंगे, देखिए 2x तो माइनस का उधर आगे का हो जाएगा प्लस का, यानी y बराबर आपके पास कितने आ गए 2x। अब ये y का मान जो 2x है किसी समीकरण लगा लो, चाहे 1 में लगा दो चाहे 2 में लगा दो, तो हम इसका मान समीकरण 1 में लगा देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में कौन सी एक समीकरण, ये है आपकी 9x माइनस 4y बराबर 200। तो यहाँ पर लगाना है y का मान कितना 2x, तो 9x माइनस 4 और इसका मान जो है कितना है 2x, इस y का मान लगा दिया बराबर 200। तो ये हो गया आपके 9x माइनस के 4 गुने कितने 8x बराबर 200। तो 9x में से 8y चलेगा तो कितना बचा आपके पास, 8x चलेगा तो कितना बचा केवल x 200। ये x का मान कहाँ लगाएंगे, समीकरण इसको मान लीजिए कितनी 3, x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए 3 में, तो क्या है 3 में y बराबर आपके पास है कितना 2x। तो x का मान लगा दीजिए कितना है आपके पास में 200, तो कितने हो गए 200 × 400। अब पूछा क्या है वो लिख देंगे, अतः क्या क्या पूछा है, कह रहा है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करनी,
तो मासिक आई है यार, तो लेकिन यहाँ पर ए की मासिक आय बराबर कितनी हमारे पास है 9x, यानी कि 9 गुणे x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 200, तो हो गया 9 × 2 = 1800 रुपए। ये ए की मासिक आय है, तो बी की निकालेंगे इसी प्रकार, बी की मासिक आय बराबर कितनी है, बी की मासिक आय 7x, तो 7 × x समान लगा दीजिए कितना है 200, तो 7 × 2 कितने हो गए 1400 रुपए। दूसरा सवाल है आपका, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे हम, माना क्योंकि इकाई दो अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, तो माना इकाई का अंक 1 = x, तो दहाई का अंक 1/2। तो जो फार्मूला होगा, दो अंक की संख्या होगी वो कौन सी होगी, लिख लेते हैं दो अंकों की संख्या वो होती है आपके, यानी कि 10 × दहाई + इकाई, तो 10 × दहाई का है हमने माना अंक बाई, प्लस इकाई का अंक कितना माना हमने x, तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। इन्होंने और कुछ कहा है, क्या कहा है कि संख्या के अंकों को पलट दें, तो संख्या के अंकों को जब पलट लेंगे तो जहां x है वहां y, जहां y है वहां पर x, तो लिखते हैं कि अंकों को पलटने पर नई संख्या पलट दीजिए 10 × जहां y लिखा है वहां x लिख दीजिए, प्लस जहां x लिखा है वहां पर y लिख दीजिए। ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 2। क्या गिवन है, क्या दिया है कि अंकों का योगफल 9 है, यानी x + y = 9। ये समीकरण नंबर आपकी कितनी हो गई 3। आगे क्या कहा है कि संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या है उसके आपको करना है 9 गुना, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 × जो संख्या दे रखी है वो, यानी कि 10y + kx = जो पलटने पर संख्या रहती है उसका कितना गुना है 2 गुना, तो 2 × जो संख्या पलटी है उसका नाम है, उसका संख्या है आपका 10x + y, तो इसकी गुना इससे हो जाएगी दोनों से, यहाँ इसकी गुना कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 9 × 90y + 9x = ये हो जाएंगे आपके 10 × 20x और प्लस के हो जाएंगे 2y, तो x वाले मान एक तरफ और y वाले मान एक तरफ, तो y का मान इधर ले आते हैं और x का मान इधर ले आते हैं, तो 90y में से इधर आएंगे आपके 2y, तो 90y - 2y = कितने 20x में से घटेंगे आपके कितने 9x, तो 20x - 9x, आप 90 में से जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 88y = 20 में से 9 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 11x, तो काट लीजिए 11 × 8 = 88, 8y = x या x = आपका 8y, ये आ गया। ये दोनों मान कहां लगा दीजिए, समीकरण नंबर 3 में लगा दीजिए, यानी x का मान समीकरण 3 में रखने, क्या है 3 वाली समीकरण है वो आपकी x + y = कितना योगफल दिया था 9, तो x का मान यहाँ लगाएं कितने y है 8y + y = 9, 8 और 1 कितने हो गए 9y = 9, 9 से काट लीजिए 9 × 1 = 9, यानी y का जो मान आ गया वो कितना आ गया 1, और यही मान था अगर मान लगा दीजिए इसी में लगा दीजिए ये समीकरण वाली।
तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए x बराबर 8y, तो y का जो मान है वो कितना है 1, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास 8। अब हमें जो निकालनी है वो संख्या निकालनी है, वो कहां है आपकी समीकरण 1 से, यानी अर्थात दो अंकों की संख्या ये है, आपका यहां वैल्यू लगा देंगे अतः 2 अंकों की संख्या क्या थी, दो अंकों की संख्या ये है आपकी समीकरण 10y प्लस के x, मान लगा दीजिए 10 × y की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 1, और प्लस x की वैल्यू कितनी है आपके पास में अभी निकाली है आपने 8, 10 × 10 प्लस 8 बराबर कितने हो गए आपके 18। अब आंसर भी चेक कर लेते हैं अपना, यहीं पर आंसर चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है। तो देखिए दोनों अंकों का योग तो 9 हो गया। अब इन्होंने जो कहा है वो भी देख लीजिए कि 9 गुना यानी जो अंकों की संख्या का योगफल है उसका 9 गुना यानी 18 का 9 गुना कर दीजिए, और इनकी संख्या पलटने के बाद में कितना गुना हो जाएगा 2 गुना, तो 2 गुना अंकों की संख्या पलटती 81 हो गया आपका ये, तो यहां गुणा कर दीजिए। देखिए 18 × 162 और 81 × 162 यानी दोनों मान बराबर